जैसा कि ना आज ना आपको पता है कि आज हमने ना FD खोल दी है और हमने ना आपको बताते हैं कि इसका मसला क्या है। मसला हम देख सकते हैं कि इसने इसका हमने लहा पार्ट खोल लिया है और आप देख सकते हैं हमने ना फुल पार्टी खोल ली है। ये इसका जो स्पीकर है देख सकते हैं, ये स्पीकर की वायर है और ये इसके आपको पता है कि नाजरीन हमने ना इसका जैक उतार लिया है। आप देख सकते हैं हमारा कैमरा मैन खा देता है, ये देख सकते हैं आप, ये ना खिल रहा है। इसका हल ये है हम ये उतार देंगे और हम ना इधर फिक्स तारे लगा देंगे। फिक्स तारे लगाने के बाद और हम इसको सारे पार्ट को अपने अपने सेटिंग पर जोड़ देंगे। अब हम टांके लगाएंगे। टांके अपने आपने बीच से लगाने ये माना है तो फिर का टांके और हम अब ये टांके लगाने पहले अपने ख्याल करना है जो आप ज़्यादा चली लगाने से टांका ख़राब हो सकता है। जैसा कि पता है हमने टांके अच्छी तरह लगा दिए हैं, ये हमने दो बार लगाई हैं, पहले हम इसको अपना हम चिप्पे लगाएंगे। आपने अच्छी तरह देखना ये है, आपने ना चिप लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कोई हुआ है, आपने ख्याल रखना है जिस चिप का आप उतारें और वही उसको सेट पर लगाएंगे ताकि कोई भी मसला लगाने के बाद हम इतने टाइट ना करें ताकि बोर्ड को कोई नुकसान ना हो। ये इसका वायर डबल लगाने के बाद इसके ऊपर अपने नट लगाए अपने देखना, ये बोर्ड होता है, बोर्ड पर आपने इतना वजन नहीं डालना और तेज आपने व्यायाम से लगाते जाना है। हम देख सकते हैं कि हमारे लग गए हैं। अब देखना चाहिए हमने ये तार लगा दी है और हम इसको चेक करते हैं तो चेक आपने लगाने से फिट करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह चेक कर लें। देखिए आपने ये वायर पीछे आप देख सकते हैं हमने ये वायर लगा दी है, पीछे हमने वायर लगा दी और हम चेक करें इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारी LCD फोन हो गई है और हम इसको सामने से भी देख सकते हैं। आप सामने से देख सकते हैं कि हमारी LCD है और क्या लगी है ज़्यादा ये आप देख भी सकते हैं इसकी ज़्यादा बत्ती वाले की। और हम ये भी देख सकते हैं कि इससे के पीछे ये चार्ज 12 वाट का लगा हुआ है। हम इस वायरिंग को हाथ भी लगा देते हैं तो हमें अर्थ नहीं पड़ेगा। ये देखें नाजरीन हम इसकी चारों साइडों पर हाथ लगा रहे हैं और हमें अर्थ नहीं पड़ रहा क्योंकि ये हमारा 12 वाट का ट्रांसफार्मर है। आप इसको चेक करने के बाद हम आपको फिट करते हैं। अब हमको फिट करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी LCD चल रही है। फिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ये लगा देंगे इसका बोर्ड। अब हम आपने चार से लगानी है।
यहाँ पर करने से थोड़ा था आपने सारे सेट कर लेने हैं, देख लेना है कोई भी मसला ना हो। ये आपने हमने बिलगाड़ी से भी इसको अब फिट कर आस्ता आस्ता करना है और हम इसके एलसीडी के तेज लगाएंगे। ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि नाज़रीन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने आज एलसीडी खोल दिया है और आप देख सकते हैं हमने ये फिट कर दिया और हम इसका ऊपर वाला फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम आपने ध्यान से लगाना है, ध्यान से फ्रेम आपने लगाना है। देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम बहुत अच्छी तरह लग गया है, इधर से भी आप देख सकते हैं ये हमने ये चार्जर लैदा कर दिया है और इसको फिट कर देंगे। ये देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी आज हमने एलसीडी लगाई है और हमारी एलसीडी आपको चेक करनी है और हम आपको बताते हैं कि आज हमने एलसीडी को भी पूरी और आज एलसीडी की वायर लगाने का तरीका आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपने क्या से लगानी है एलसीडी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी हमारी चल रही है, तो नाज़रीन हम देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ये भी एलसीडी हमारी लाइट दे रही है और हमारी एलसीडी ऑन हो गई है। चलिए ठीक है, अब हम को कंप्यूटर से टैप करके दिखाते हैं एलसीडी। जैसा कि नाज़रीन हम देख रहे हैं कि ये आपको पता है कि आज हमने एलसीडी दी हुई है और हमने टाइम भी आपको दिखाया है, खाने आपको चल रहा था, इसलिए हम देख रहे हैं आपको हम करते हैं कि एलसीडी हमारी चल रही है। ना हम देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी ऑन है और आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पर ये देखते हैं ना वायर, हमारी ये देखो वायर फिक्स हो चुकी है। ये हम आपको बताते हैं कि हमारा ये सॉन्ग इतना प्यारा और अपना डिस्प्ले चल रहा है। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर हमारे को आपकी ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगली वीडियो देखने के लिए होशियार हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, वीडियो को शेयर करें और आपको देख के बता दें। आप पीछे से एक मरतबा और भी देख सकते हैं, तो जो देखें कि आपकी हमारी तार फिक्स हो चुकी है। आप अब हमें ये वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे शेयर हो जाए।